पिछली क्लास में हम लोग ने संज्ञा और उसके प्रकार देखे थे। वापस एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल देखेंगे जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी, फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। मैंने आपको संज्ञा के पांच प्रकार पढ़ाए थे। सबसे पहला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहा जाता है, जैसे कि मोहन मुंबई। सेकेंड मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो होता है बुक, कॉपी, फैन, विंडो। तीसरा बताया था कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके उदाहरण आपको दिए थे मैंने, जूरी, पार्लियामेंट, कमेटी, ये सब एग्जांपल्स आपको दिए थे। चौथा हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हमने पढ़ा था इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, ये सब उदाहरण हमने देखे थे। पांचवा हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, सॉरी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हमने क्या देखे थे, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, कावर्डाइस। ठीक है, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, कावर्डाइस मतलब कायरता, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नाउन्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब इनमें से हम तीन प्रकार ऐसे हैं जिन्हें गिन सकते हैं। कौन कौन से थे, प्रॉपर नाउन था हमारा सबसे पहला, दूसरा था हमारा कॉमन नाउन, तीसरा हमारा था कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इन तीनों को गिना जा सकता है। अब आगे आएंगे हम, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनको हम गिन नहीं सकते। उदाहरण क्या दिए थे मैंने, जैसे सोना हो गया, हम दुकान पे जाते हैं तो ये कभी भी नहीं बोलते कि मुझे एक सोना दे दो, दो सोना दे दो। ठीक है, इस तरीके से नहीं बोलते कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। इनके बीच में कुछ शब्द लगाते हैं, क्या शब्द लगाते हैं, एक किलो सोना, दो किलो सोना, तब इन्हें गिना जा सकता है। तो इन्हें अंग्रेजी क्या मानती है, अनकाउंटेबल मानती है इंग्लिश। इसमें कुछ अलग रूल्स लगते हैं, क्या लगते हैं हम आगे देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था ईमानदारी, इसे भी हम नहीं नाप सकते कि एक किलो ईमानदारी या एक तोला ईमानदारी, इस तरीके से नहीं नापा जा सकता। ठीक है, अब मैंने आपको लिखवाया था अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन कभी भी नहीं लगता। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, आर्टिकल का हिस्सा है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। आगे हम लोग डिटेल में इसे देखेंगे आर्टिकल्स में। ए और एन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर चीज़ों के पीछे लगता है, एक वचन के पीछे लगता है ए और एन। जैसे मैं अ बॉय बोल सकता हूँ, अ गर्ल बोल सकता हूँ, अ बॉयज नहीं बोल सकता, अ गर्ल्स नहीं बोल सकता। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए, अगर ये सिंगुलर चीज़ों के पीछे लगता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके पीछे लगता है, मतलब इसको कभी भी हम अनकाउंटेबल के पीछे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम अ वाटर नहीं बोल सकते, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता, पानी एक वचन नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम अ ऑनेस्टी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक वचन नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया था, ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के पीछे कभी भी ए और एन नहीं लगती, और अनकाउंटेबल नाउन्स के पीछे एस ई एस भी नहीं लगती। जैसे वाटर का वाटर्स नहीं बोल सकते, ठीक है, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं बोल सकते। जिनको हम गिन ही नहीं सकते, उनका सिंगुलर प्लूरल बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पिछली बार बताई थी। सेकंड रूल आपको लिखवाया था, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये हम देखेंगे उदाहरण के थ्रू आगे, आपको समझाऊंगा डिटेल में। अब आते हैं फटाफट पाँच क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग अभी देखेंगे। आपके सामने पाँच सवाल लिखे हुए होंगे बोर्ड पर, पाँच सवाल आपको दिख रहे होंगे। अब आते हैं फटाफट उदाहरण की ओर। आपके सामने पांच एग्जांपल दिख रहे होंगे, वहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी रूल्स लिखवाए हैं उनको मैं समझाता हूँ। एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियम आप भले ही भूल जाएं, अंग्रेजी में वाक्य किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद होगा। उदाहरण सबसे ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से पढ़िएगा। नियम इसी तरीके से आप याद रखेंगे और इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। बेस्ट तरीका होता है ग्रामर को पढ़ने के एग्जाम्पल्स, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स उतनी ही शानदार ग्रामर। अब आते हैं फटाफट, पहला एग्जांपल लिखते हैं, अ गोल्ड इज स्लैश अ प्रीशियस मेटल एंड स्लैश यूज इन मेकिंग ज्वेलरी स्लैश नो एरर। आपके सामने उदाहरण दिख रहा है वहाँ बोर्ड पर, गलती पहचानी है इसमें, ठीक है, गलती पहचानते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था मटेरियल नाउन, गोल्ड एग्जाम्पल होता है मटेरियल नाउन का, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, गोल्ड को हम गिन सकते हैं क्या, एक कभी दुकान पे जाकर ये बोलते हैं एक सोना दे दो, दो सोने दे दो या पांच सोना दे दो, नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, 1 kg दे दो या 10 g दे दो या 1 g दे दो, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसे अंग्रेजी किस चीज़ में डालती है, अनकाउंटेबल में, इसको गिना नहीं जा सकता। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि जब 1 kg बोल रहे हैं, 10 g बोल रहे हैं तो गिन तो रहे हैं। ठीक है, गिनने का सेंस देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि 2 boys, ठीक है,
इनको हमने डायरेक्ट गिन लिया, बॉयज़ के पीछे दो शब्द लगा दिया या तीन लगा दिया, पाँच लगा दिया, दस लगा दिया। वैसे हम गोल्ड के पीछे लगा सकते हैं क्या? टू गोल्ड नहीं लगा सकते। सबसे पहली चीज़ तो इनके पीछे टू नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अगर इसको गिनेंगे तो हम किस तरीके से गिनेंगे? कुछ शब्द जोड़ना पड़ेगा बीच में, क्या जोड़ना पड़ेगा? टू के जी या टू ग्राम या दो तोला। और क्या यहाँ पे गलती है? एस कभी भी नहीं आया, गोल्ड कुछ शब्द ही नहीं होता जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके पीछे एस ई एस कभी लगता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। हम आते हैं हमारे सवाल पे। ठीक है, जो सवाल मैंने दिए थे, अब मैंने बताया जिस चीज़ को नहीं गिन सकते उसके पीछे हम कभी भी ए और एन नहीं लगाएंगे। जिसे नहीं गिन सकते उसके पीछे ए और एन नहीं लगेगा। इसका मतलब गलती क्या होगी इसमें? अ गोल्ड जो लिखा हुआ है उसके पीछे अ गलत है, यहाँ पे ए नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा ऐसा लिखा जाए, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल एंड यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विजडम कम्स विथ एज, विजडम कम्स विथ एज, दूसरा सवाल लिखा हुआ, विजडम कम्स विथ एज। इसमें गलती पहचानी है, चार ऑप्शन है हमारे पास में। कम कम्स, सी हैव कम, डी आर कमिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले हम पहचानते हैं विजडम क्या होता है। विजडम का अर्थ क्या होता है? विजडम मतलब होता है हमारा विवेक, हमारी बुद्धि। विजडम को गिना जा सकता है कि मेरे पास में एक किलो बुद्धि है, दो किलो बुद्धि है? नहीं गिन सकते। जब गिन नहीं सकते तो क्या होगा? अनकाउंटेबल ना होना ही है। अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, किस तरीके से बिहेव करेगा? ठीक है, अनकाउंटेबल चीज़ों को हम क्या मानते हैं? हमेशा सिंगुलर मानते हैं, एक वचन। जिनको गिना नहीं जा सकता उनको, उनमें जो एक वचन वाले नियम लगते हैं, सिंगुलर वाले। अब तो इसमें थोड़ा सा क्रिया यूज़ हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्रिया नहीं पढ़ाई। जैसे ही जो शब्द है उसके साथ में प्ले लगता है कि प्लेज लगता है? कौन सा लगाऊं इसमें से? सोचिए दिमाग लगा के थोड़ा सा। ठीक, काफ़ी लोग गलती कर रहे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे प्ले लगा रहे होंगे, कुछ प्लेस लगा रहे होंगे। ये वाला सही है प्लेस, ये गलत है। याद रखने का सीधा सा तरीका है, देखो, जैसे बॉय हुआ हमारा, मैं मिटा के आपको बताता हूँ, इसको मिटा देते हैं। पहले संज्ञा की बात करते हैं। ऐसे मैंने लिखा बॉय, उसका बहुवचन लिखा बॉयस, ये हमारा नाउन संज्ञा। संज्ञा में क्या होता है हमारा, जब बहुवचन बनाना होता है तो सीधा एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सबसे आसान चीज़ है। क्रिया में उल्टा होता है, संज्ञा में क्या होगा, जो सिंगुलर मतलब एस, प्लूरल मतलब पी। सिंगुलर क्या होगा, छोटा वाला शब्द जो होगा वो होगा सिंगुलर संज्ञा में, बॉय। इसमें एस और ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम बॉय के लिए एस जुड़ रहा है, कई शब्दों में ई एस जुड़ता है, ऐसे ई एस जुड़ेंगे तो क्या होगा, प्लूरल। लेकिन क्रिया के केस में क्या होता है, जैसे मैं बोलूं प्ले, ठीक, अगर कोई मुझसे पूछे इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है, तो क्या होगा, संज्ञा से उल्टा होता है। संज्ञा में छोटा वाला शब्द सिंगुलर होता है, बड़ा वाला प्लूरल होता है, लेकिन क्रिया में क्या होता है, बड़ा वाला शब्द होगा प्लूरल, छोटा वाला सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, मैंने ये चीज़ गलत लिखी है। ठीक है, किस तरीके से आएगा, ऐसा नहीं होगा, ये देखिए पी एल ए वाई एस, प्लेस इधर आएगा और प्ले इधर आएगा। वापस बताता हूँ, ठीक, क्रिया में क्या होता है हमारे पास में, क्रिया में बड़ा वाला जो शब्द होगा हमारा वो क्या होगा, एक वचन माना जाएगा, और जो छोटा वाला शब्द होगा वो क्या माना जाएगा, बहुवचन। इसका मतलब अब हमारे सवाल पे आते हैं, विजडम। ठीक है, विजडम हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ विजडम। अब विजडम मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो हम इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में कौन सी क्रिया आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में कौन सी क्रिया आएगी, सिंगुलर। अब मुझे पहचान के बताइए, कम एक क्रिया है। ठीक, क्रिया को हम लोग डिटेल में क्रिया वाले चैप्टर में देखेंगे, जिसको नहीं आती हो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से मैं आपको क्रिया समझाऊंगा, कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं ये भी समझाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मल्टीपल कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं इस सवाल में। अभी जितना इतना जो मैंने समझाया उतना आप समझ लीजिए, ये चीज़ सफिशेंट है, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन, अब विजडम के साथ में क्या आना चाहिए चार में से, कम कम्स हैव कम या आर कमिंग। विजडम पहचाना हमने, एक वचन है। ठीक है, एक वचन क्यों है,
क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ये। अनकाउंटेबल नाउन क्यों है, हमने पढ़ाया था अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब एक वचन है तो उसके साथ में एक वचन वाली क्रिया आएगी, जिस क्रिया का एक वचन होगा। अब एक वचन वाली क्रिया कौन सी होगी, कम्स या कम, कौन सी क्रिया होगी एक वचन की। ठीक है, एक वचन वाली क्रिया वो होती है जो बड़ी होती है, इन दोनों में से बड़ा शब्द कौन सा है, ये वाला, तो ये किस में आएगा, सिंगुलर में, तो विजडम के साथ में कौन सा लगेगा, कम्स। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। संज्ञा में क्या होता है, छोटा शब्द एक वचन होता है, बड़ा शब्द होता है बहुवचन। क्रिया में क्या होता है, बड़ा शब्द होता है एक वचन और छोटा शब्द होता है बहुवचन। ठीक, क्रिया वाले चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे, जिसको परेशानी हो रही हो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स बने हुए हैं क्रिया के ऊपर, वो हम देखेंगे। अब आते हैं तीसरे पे, थर्ड क्वेश्चन देखिए। आई लाइक स्लैश अ म्यूजिक स्लैश इफ आई हैव नथिंग टू डू स्लैश और नो एरर। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा स्लैश क्यों लगा रहे हैं बार बार बीच में। ठीक है, स्लैश लगाने के पीछे कारण क्या कारण है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हमें चारों में से गलती ढूंढनी होती है, कौन से हिस्से में आपकी गलती है ये चारों में से आपको ढूंढना होगा। ठीक है, चार हिस्से कर दिए इसके, पहला हिस्से को नाम दे देंगे ए, दूसरे हिस्से को नाम दे देंगे स्लैश के बाद बी, तीसरे को देंगे सी, चौथे को डी, सॉरी ऑप्शन में पूछा जाएगा कि कौन से हिस्से में एरर है वो फाइंड करो, वो आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अब आई लाइक स्लैश अ म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है, अनकाउंटेबल, कभी गिन सकते हो क्या गानों को, गाने का मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको धुन बजा रहे हो। ठीक है, धुन की सेंस, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं, म्यूजिक धुन बजा रहे हैं, तो कभी ये बोल सकते हैं मैंने 1 किलो धुन बजाई या 1 लीटर धुन बजाई, नहीं गिन सकते, म्यूजिक को गिना नहीं जा सकता। अब कोई बोलेगा कि मैं तो बोलता हूँ मैंने 1 गाना सुना 2 गाने सुने, ठीक है हमारा सेंस अलग है, 1 गाने की लंबाई फिक्स नहीं होती कि गाना 1 मिनट का चल रहा है, 2 मिनट का, 5 मिनट का, लेकिन सुरों को गिना नहीं जा सकता, म्यूजिक को गिना नहीं जा सकता, तो इसके पीछे क्या होगा, अ नहीं लगेगा कभी, इसमें लगा हुआ है अ म्यूजिक, वो क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, म्यूजिक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे, वी मस्ट अपोज स्लैश इनजस्टिसेस स्लैश डन टू द पुअर स्लैश नो एरर। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके अपने क्वेश्चन दिमाग लगाइए क्वेश्चन में। ठीक है, मेरा आंसर डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आंसर सुना रहा हूँ, वो आपको नहीं सुनना है, पहले आप जैसे ही सवाल पढ़ना है उसको पॉज करना है, पहले दिमाग लगाना है, सोचना है चीज़ों को थोड़ा सा, 10-20-30 सेकंड सोचिए, अगर समझ में नहीं आ रही चीज़ तो फिर मेरा आंसर देखिए। ठीक है, इससे होगा क्या, खुद का दिमाग यूज़ होगा, आप गलती करके सीखेंगे, तो पका पकाया खाएंगे तो पकाना कभी भी नहीं सीख पाएंगे। बेस्ट तरीका क्या है, गलती करिए और गलती करके सीखिए, पहले पॉज करो, समझने की कोशिश करो, आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा तो हम देख ही लेंगे बाद में। अब इसमें गलती क्या है, वी मस्ट अपोज स्लैश इनजस्टिसेस स्लैश डन टू द पुअर स्लैश नो एरर। गलती बताओ चारों में से गलती क्या है। ठीक, इनजस्टिसेस शब्द जो लिखा हुआ है, इनजस्टिस मतलब क्या होता है, अन्याय। ठीक है, अब अन्याय चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो, अन्याय ही बोलोगे कि अन्यायस बोल दोगे, एस एस लगा दोगे अन्यायस। ठीक है, मूवीज़ में डायलॉग सुना होगा मुझे इंसाफ चाहिए, कि मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, इंसाफ कुछ भी नहीं होता, एस एस नहीं लगाते, वैसे ही क्या होगा, अन्याय होगा, चाहे 1 अन्याय करो, 2 अन्याय करो, 10 अन्याय करो, इनजस्टिस होगा, इनजस्टिसेस कुछ भी नहीं होता है, इनजस्टिस को गिना नहीं जा सकता, तो क्या होगा इनजस्टिस हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। मैंने बताया था अनकाउंटेबल में एस ई एस कभी भी नहीं लगता, जैसे वाटर में वाटर्स नहीं बोल सकते, कभी मेहमानों के जाकर ये बोलते हो कि मुझे वाटर्स ले आओ, कि वाटर मांगते हो कि पानी चाहिए, कि बोलते मुझे वाटर्स ले आओ। ठीक है, ये शब्द गलत है। अब समझ में आया चौथा, इसको नहीं आया आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका डाउट हो किसी को कुछ भी तो हम वो क्लैरिफाई कर देंगे। अब आते हैं पाँचवे पे, पाँचवा सवाल आपके सामने, मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। ठीक है, अब विषय को आप गिन सकते हैं क्या, मैथमेटिक्स को, जैसे कोई हमारा सब्जेक्ट है विषय, मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज आप बोलेंगे मैं 1 किलो मैथमेटिक्स पढ़ के आया या 2 किलो पढ़ के आया, इस तरीके से बोलते हैं हम कभी, नहीं बोलते। ठीक है, या ये बोलते हैं कि मैं 1 मैथ्स पढ़ के आया 2 मैथ्स पढ़ के आया, नहीं बोलते। अब बोलेंगे हम तो बोलते हैं 1 चैप्टर पढ़ के आए। ठीक है, आप चैप्टर बोल रहे हो मगर बीच में लगा रहे हो चैप्टर शब्द, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते 1 मैथ्स पढ़ी 2 मैथ्स पढ़ी 3 मैथ्स पढ़ी, मैथमेटिक्स को नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते तो क्या ए एन लगेगा क्या, नहीं लगेगा अगर नहीं गिन सकते तो।
जिन चीज़ों को नहीं गिनाया जा सकता उनके पीछे कभी भी ए और एन नहीं आता। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, ठीक है? आ गई समझ नहीं है, पहले उदाहरण समझना है। मैं उदाहरण समझाऊंगा उसके बाद लिखेंगे हम एग्जांपल, उसके बाद हम लिखेंगे रूल, ठीक है? उदाहरण समझेंगे फिर रूल लिखेंगे, और रूल लिखने के बाद फिर वापस उदाहरण लिखेंगे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आया समझ में? अब इन चीज़ों को सिर्फ समझना है, ठीक है? मान लीजिए मुझे पिताजी के पास गया, मैं मुझे पैसे मांगने, तो मैं उनसे ये बोलूँगा 200 रुपीज़ दे दो कि 200 रुपीज़ दे दो, क्या बोलूँगा? आप लोग क्या बोलते हैं सोचिए थोड़ा सा। 200 रुपीज़ मांगते हैं कि 200 मांगते हैं? 200 रुपीज़ मांगते हैं आप। 500 मांगते हैं कि 500 दे दो, ठीक है? नहीं मांगते, क्या बोलते हैं हम? 200, ठीक है? हम क्या बोलते हैं? 500, ठीक है? हम क्या बोलते हैं? 10 रुपी नोट दे दो कि 10 रुपीज़ नोट दे दो, ठीक है? 10 रुपीज़ गलत होता है, कुछ लोग बोल देते हैं यार, हम तो बोल देते हैं कुछ भी 10 रुपीज़ दे दो, तरीका गलत होता है। तरीका सही क्या होता है? 200 दे दो, 500 दे दो, 10 रुपीज़ दे दो, ठीक है? यहाँ पे एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। बहुत ही साधारण सा नियम है, पर हम नियम बताते हैं फिर वापस एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है? लिखो नियम, सब लोग जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यदि कोई नाउन या नंबर ब्रैकेट में 1, 2, 3, ठीक है? इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, डैश डैश करके लगा दीजिए। यदि कोई नाउन या नंबर ब्रैकेट में 1, 2, 3 डैश 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 कॉमा हाइफन HYPHEN हाइफन से जुड़कर आए, यदि कोई नाउन या नंबर 1, 2, 3 हाइफन, हाइफन मतलब क्या होता है? ये जो मैंने बताया वो साइन लगा हुआ, इसको बोलते हैं हाइफन, हाइफन। यदि कोई नाउन या नंबर हाइफन से जुड़कर आए, तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। वापस दोहराता हूँ एक बार, यदि कोई नाउन या नंबर ब्रैकेट में 1, 2, 3 डैश 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 कॉमा हाइफन से जुड़कर आए, तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होती है, ठीक है? आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 2 और हाइफन लगा हुआ है, और कोई एक संज्ञा लिखी है 100, ठीक है? संज्ञा लिखी हुई है 100, तो यहाँ पे क्या होगा, एस ई एस नहीं लगेगा, ये कायम आएगा सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर क्या होता है? बॉय और बॉयस, दो शब्द दिए, सिंगुलर क्या होगा, बॉय होगा कि बॉयज होगा? बॉय सिंगुलर होगा, बॉयज क्या होगा, प्लूरल होगा। इसमें एस ई एस लगता है वो शब्द क्या होते हैं, प्लूरल। तो इसमें एस ई एस लगा है क्या, नहीं लगा, ये किस फॉर्म में आएगा, हमेशा सिंगुलर। 200 बोल दीजिए, 500 बोल दीजिए, 10 रुपी बोल दीजिए, या हम और उदाहरण देखते हैं, 3-member कमेटी बोल दीजिए, ठीक है? या हंड्रेड स्टूडेंट क्लास बोल दीजिए, ठीक है? 3-members कमिटी नहीं बोलूँगा, 3-member कमिटी, 100 स्टूडेंट क्लास, ठीक है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइफन दिख रहा है आपको सभी जगह पे, या हाइफन इधर लगाइए, इधर ये, ठीक है? 3-member कमिटी, 100 स्टूडेंट क्लास, हाइफन जहाँ बीच में लगेगा वहाँ पे क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर। मेंबर होगा मेंबर्स नहीं, स्टूडेंट होगा स्टूडेंट्स नहीं, 10 रुपी होगा 10 रुपीज नहीं, 500 होगा 500 नहीं, 200 होगा 200 नहीं। आया समझ में? वापस नियम पढ़ो एक बार, फिर से वापस नियम दोहराते हैं, समझ में आई कि नहीं चीज। यदि कोई नाउन या नंबर ब्रैकेट में 1, 2, 3 डैश 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 कॉमा हाइफन से जुड़कर आए, तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ठीक है? सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें एस ई एस नहीं लगता, जैसे बॉय हो गया सिंगुलर, बॉयज हो गया प्लूरल। आया समझ में? अगर समझ में आया तो फटाफट आते हैं हम लोग 3-4 सवालों पे।
आपके सामने पेश है फटाफट गर्मा गर्म सवाल, चार सवाल आते हैं। सबसे पहला पढ़ो क्वेश्चन। आई मेट कुमार ए 17 ईयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, सवाल पढ़िए पहले वाले, क्या लिखा हुआ? आई मेट कुमार ए 17 ईयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, मैंने बोल दिया ए लिखा नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? आई मेट कुमार 17 ईयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, अब इसमें देखिए गलती ढूंढनी सबसे पहले हमें, और चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। चार ऑप्शन आपके पास में क्या दिए हुए हैं वहाँ पे? ए ऑप्शन दिया हुआ 17 ईयर ओल्ड बॉय, बी दिया अ 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, सी दिया अ 17 ईयर ओल्ड बॉय, डी दिया नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ कोई भी गलती नहीं होती। ठीक है, अब ए और एन कहाँ यूज़ होता है? मैंने लिखवाया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है, जो एक वचन होती हैं, है कि नहीं? अब देखो 17 साल के लड़के की बात कर रहे हैं हम, 17 साल के एक लड़के की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या लगेगा? ए लगेगा यहाँ पे। अब हम एक एक करके चारों ऑप्शन समझते हैं क्यों पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ए लिखा हुआ 17 ईयर ओल्ड बॉय, इसमें क्या गलती है? ठीक है, जब भी हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, वहाँ पे लगता है अ। ये मैं आपको समझाऊंगा आर्टिकल में, ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही हुई काफ़ी लोगों को। आर्टिकल ए एन डी जब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे। आते हैं बी पे, अ 17 ईयर्स ओल्ड बॉय। देखिए सीधा सीधा गलत हो गया ये तो। हमने नियम क्या लिखा था? हाइफन लगेगा तो उसके बाद क्या आएगा? एक वचन ईयर आएगा, ना कि ईयर्स। ठीक, अब आते हैं सी पे, अ 17 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, अ क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अ लगा हुआ है। अब आते हैं हम डी ऑप्शन पे, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मतलब होता है कोई गलती नहीं, गलती इसमें है। आंसर क्या है हमारा? सी। ठीक है, जिसको इसमें दिक्कत हो रही हो, जैसे ही हम आर्टिकल पढ़ लेंगे ए और एन और डी का यूज़, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या याद रखो, जो मैंने बताया कि अ 17 ईयर ओल्ड बॉय आएगा, ईयर्स वाला क्यों गलत होगा, हमें वो चीज़ समझनी थी यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, दूसरा सवाल देखिए। अ 3 मैन, इस तरीके से लिखा हुआ है, 3-men, इस तरीके से दिख रहा है आपको सवाल में। ठीक है, 3 मैन, इसमें समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? मैंने बताया था क्या होना चाहिए, जब हाइफन लगा होगा तो क्या होगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर मतलब क्या हुआ? एम ए एन। मैन का सिंगुलर क्या होता है? एम ए एन सिंगुलर होता है। प्लूरल क्या बनता है मैन का? एम ई एन। आया समझ में गलती क्या है? तो यहाँ पे ये चीज़ गलत होगी, ये चीज़ सही होगी, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, दिस इज स्लैश नॉट इंक्लूडेड इन स्लैश दिस 3 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सवाल लिखा हुआ है, क्या करना है वापस तरीका बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पॉज करना है वीडियो को, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुद का यूज़ करना है, उपयोग करना है दिमाग का। उसके बाद नहीं आएगा समझ में तो वापस सॉल्यूशन देखना है, मैं समझाऊंगा फिर क्या है। पहले खुद का दिमाग यूज़ करिएगा थोड़ा सा। अब आते हैं हम, देखिए गलती क्या है इस क्वेश्चन में, 3 करोड़ इस तरीके से लिखा हुआ है। इधर लिख देता हूँ, 3 करोड़ रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हाइफन लगा हुआ है? अब नियम पढ़ो वापस एक बार, मैंने क्या लिखवाया था? 3 करोड़ लिखा हुआ है, उसके बाद रुपीज़ आएगा कि रुपी आएगा? 3 करोड़ के बाद क्या लगेगा? एक वचन। एक वचन क्या होता है? रुपी कि रुपीज़? रुपी। तो क्या गलती होगी यहाँ पे? रुपीज़ गलत होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रुपी। बहुत काफ़ी आसान से सवाल है बेसिक लेवल के। चौथे क्वेश्चन पे आइए, चौथा क्वेश्चन है ए 10 फीट हाई वॉल, क्या लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में? ए 10 फीट हाई वॉल। ठीक है, अब देखो 10 के बाद हाइफन लगा है, 10 फीट हाई वॉल। मैंने बताया जहाँ पे हाइफन आता है वहाँ पे क्या होता है? एक वचन। फीट एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? एक वचन होता है फुट, FOOT। फीट क्या होगा? बहुवचन, जो कि हो गया गलत। आया समझ में क्यों गलत हुआ? क्योंकि हाइफन जहाँ लगता है वहाँ पे क्या यूज होता है हमेशा संज्ञा में? एक वचन। एक वचन क्या होगा? फूट, ना कि फीट। अब आते हैं हम आगे के चार सवाल देखते हैं, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। चार हम देख चुके थे, आगे के चार आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपके क्वेश्चन। अब पांचवा सवाल काफ़ी बहुत ही आसान सवाल है, एन 11 उसके बाद हाइफन लगा हुआ है, प्लेयर्स टीम हैज़ बीन सेलेक्टेड। गलती पहचाननी है,
गलती पहचाननी या डिस्कस करते हैं। इलेवन प्लेयर, इलेवन के बाद हाइफन, उसके बाद प्लेयर्स लिखा हुआ है, सही है ही गलत है? ये बिल्कुल गलत है। इलेवन के बाद हाइफन आएगा, हाइफन के बाद क्या आता है? एक वचन। प्लेयर्स एक वचन है क्या? नहीं है। एक वचन क्या होगा? प्लेयर। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 11 लगा हुआ है तो 11 के साथ तो प्लेयर्स आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, देखो वाक्य को समझने की कोशिश करो। एन 11 प्लेयर्स प्लेयर टीम हैज़ बीन सिलेक्टेड, 11 खिलाड़ियों की टीम की बात हम कर रहे हैं। हमने 11 खिलाड़ियों का क्या माना? एक हिस्सा माना एक टीम का, हम टीम की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लग रहा है वहाँ पे? प्लेयर, प्लेयर्स नहीं आए। आया समझ में? अगला हो सेवेंथ क्वेश्चन पे, टेन ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, हाइफन खा गए वहाँ पे क्वेश्चन में, हाइफन लगा लेना जो कॉपी में लिखें। टेन ईयर्स लिखा हुआ है, टेन ईयर्स इस तरीके से लिखा है, टेन ईयर्स, टेन ईयर्स ओल्ड बॉय केम टू मी। ठीक है, अब देखो अगर मैंने हाइफन लगाया है, हाइफन लगता तो क्या होता? अ टेन ईयर ओल्ड बॉय केम टू मी, हाइफन लगता तो क्या होता है वहाँ पे? टेन ईयर। ठीक है, वहाँ पे हाइफन लगा लीजिए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हाइफन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? हाइफन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा, सवाल थोड़ा सा गलत है। हम दसवें सवाल, आठवें सवाल पे आते हैं, इसको आपको करेक्ट करके आगे बताऊँगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हमारे ऐसे रूल से रिलेटेड नहीं है। आगे आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन पे। 10 years have passed since he died. एट्थ क्वेश्चन देखिए, 10 years have passed. अब देखो यहाँ पे तो हाइफन दिखाई दे नहीं रहा है, हाइफन नहीं है यहाँ पे, हाइफन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इधर लिख देते हैं हम लोग, मिटाता हूँ मैं डस्टर से, थोड़ा सा जगह भर चुकी है। इधर आते हैं वापस, ये देखिए, अब अभी बोलेंगे मैंने लिखवाया था ऐसी, ऐसे लगता नहीं है, अभी लग रहा है, ये कर क्या रहे हैं ये लोग, सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये क्या पढ़ा रहे। वापस ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, यहाँ पे हाइफन दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं दे रहा। हाइफन नहीं होगा तो क्या होगा? इसको हम 10 years लिख सकते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? हाइफन में ऐसा क्या जादू हो जाता है कि ACS नहीं लगता? ठीक है, जहाँ पे हाइफन लग रहा है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आगे देखो, 11 प्लेयर बोला मैंने, 11 प्लेयर टीम, हाइफन ला के मैंने क्या बोला? एक टीम के हिस्से, टीम की बात करी जहाँ पे काफ़ी लोगों का समूह है, संगठन है, तो क्या होगा वहाँ पे? एक वचन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? 10 साल गुजर चुके हैं जब से उसकी मौत हुई थी, 10 years हैव पास्ड सिंस ही डाइड। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको एक नहीं मान रहा हूँ, इनको, इनका समूह बना के मैंने इनको एक कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, अलग अलग 10 सालों की बात कर रहा हूँ, इसीलिए क्या होगा? इनको हम बहुवचन की तरह ट्रीट करेंगे, 10 years। अब सीधी साथ, सीधा सिंपल सा लॉजिक है क्या? यहाँ पे हाइफन जहाँ नहीं लगेगा वहाँ पे हम प्लूरल बना सकते हैं, जहाँ पे हाइफन होगा वहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर। उसी तरीके से क्या है हमारे पास में, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया।